ललितपुर नवरात्रि महापर्व के समापन अवसर पर नगर में जवारे की शुभ यात्राएं निकाली गई। नगर भ्रमण के पश्चात जवारे को सुमेरा तालाब में श्रद्धापूर्वक विसर्जित किया गया। यह जवारे माँ भगवती की आराधना के प्रतीक मानी जाती हैं। पिछले 9 दिन से सनातन धर्म के कठिन व्रत पर साधना का प्रतीक शारदीय नवरात्रि पर मनाया जा रहा था। इस पर्व के चलते संपूर्ण जनपद के देवालय के अलावा सनातन धर्म के घर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान चल रहे थे। पिछले 9 दिन से सनातन धर्मी कठिन व्रत व साधनाओं में आबद्ध होकर माँ दुर्गा के भक्ति भाव में डूबे हुए थे। बुंदेली परंपरा के अनुसार अनेक सनातन धर्मियों के घर में माँ दुर्गा की आराधना में जवारे बोए जाती हैं। ऐसी आत्मीयता है कि मान्यताएं मांगने के लिए माँ दुर्गा की आराधना हेतु जवारे बोए जाते हैं। इससे श्रद्धालुओं की इच्छित मनोकामना पूर्ण होती है। माँ दुर्गा की कृपा से जिनकी इच्छित कामनाएं पूरी हो जाती हैं, वह भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए माँ दुर्गा के जवारे बोता है। हम आपको बता दें, जवारे बोना कोई सहज कार्य नहीं है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापित कर जवारे बोने के साथ ही श्रद्धालु जन कठोर व्रत साधना में लीन हो जाते हैं। आज अपराह्न श्रद्धालुओं ने मां भगवती की आराधना के प्रतीक जवारों के समक्ष पूजा अर्चना व अनुष्ठान कर उनके विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली। जवारों की शोभा यात्रा निकालने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। जगह जगह जवारों की मंगल आरती उतारी गई।